हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता रसोई। आज हम सब बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, जो सबको पसंद आती है, बच्चे बड़े सबको, शाही खिचड़ी की रेसिपी, जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से कुकर में बनाया है। एक बार आप मेरा ये तरीका ज़रूर अपनाएं, यह झटपट बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही आसान है बनाना, और स्वाद तो इतना अच्छा आता है कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। एक बार आप यह खिचड़ी बनाकर खा लो, आपके घर में बड़े बच्चे सप्ताह में 2 से 3 बार जरूर बनवाएंगे। यह खिचड़ी आप भंडारे में भी प्रसाद की जगह पे बना सकते हो, सबको बहुत ही पसंद आएगी। एक बार आप मेरा ये तरीका ज़रूर अपनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर टेस्टी शाही खिचड़ी की रेसिपी। इसके लिए मैंने ढेर सारी सब्जियाँ ली हैं, मैंने पहले से ही तैयारी कर रखा है। यहाँ मैंने एक बैंगन को काट लिया है, थोड़े से फूल गोभी, थोड़े से बीन्स, पत्ता गोभी को काट लिया है, थोड़े से हरे मटर लेंगे, नींबू और स्प्रिंग ओनियन लेंगे, उसका मैंने सफ़ेद भाग रखा है, और मैंने लिया है छील कर काटा हुआ एक टमाटर, हरा धनिया पत्ती, कटे हुए शिमला मिर्च जिसे मैंने चौकोर काट लिया है, कटे हुए गाजर और धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए मैंने अलग रखा है, जिसमें डंठल नहीं है, डंठल वाले भाग को हम पहले ही डाल लेंगे और गार्निशिंग के लिए बस पत्तियाँ रखेंगे। यहाँ मैंने कटे हुए आलू और कटे हुए प्याज लिए हैं। यहाँ मैंने फ़ोरन के लिए लिया है 2 तेज़पत्ता, 6 से 7 गोल मिर्च, 1 कटे हुए हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच जीरा लेंगे, और मैंने लिया है 2 लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री, गजपिपली और भी ढेर सारे गर्म मसाले, जो भी हो आप ले लें, खड़े गर्म मसाले, इसे हमने फ़ौरन के लिए यूज करेंगे। यहाँ मैंने लिए बारीक कटे हुए अदरक और लहसुन, इसकी जगह पे आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप के बराबर चावल लिया है, आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही चावल लें। यहाँ मैंने बासमती चावल लिया है, अगर आपको शाही खिचड़ी बनानी है तो बासमती चावल ही यूज करें, नहीं तो आप कोई भी चावल यूज कर सकते हो। 1/2 कप चावल के लिए मैंने यहाँ 1/4 कप मूंग दाल, 1/4 कप अरहर दाल लिया है। ये दोनों दाल में खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ मैंने थोड़े से मखाना, काजू और किशमिश लिया है, आप और भी ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हो शाही खिचड़ी में। तो सबसे पहले हम चावल को भिंगो लेंगे। यहाँ मैं बॉल में चावल को डाल देती हूँ, हम खिचड़ी में साथ में दाल को भी डाल देंगे। तो यहाँ मैं मूंग दाल, रहर दाल डाल देती हूँ, साथ ही पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसे हमें अच्छे से 2 पानी धो लेना है, और उसके बाद इसे हम फूलने के लिए छोड़ देनी है, तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। चावल धोने से पहले हमने कुकर को गर्म होने को रख दिया था, इसमें हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। यहाँ मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 2 चम्मच के बराबर घी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यह घी मैंने खुद से बनाया है, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट हम डालेंगे जीरा और गोल मिर्च, इसके बाद डालेंगे खड़े गरम मसाले, अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटे हुए अदरक, आप चाहें तो और भी ज़्यादा लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर सकते हो, कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे, तेज़पत्ते डाल देंगे, इसे हम तेल में अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, ताकि फ़ौरन जले नहीं, फ़ौरन चिटक गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसी स्टेज में हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, मखाना, काजू, किशमिश, ताकि वह घी के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप फ़ौरन में ही ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हो तो मैंने इसे थोड़ा देर भून लिया है। इसके बाद हम डालेंगे प्याज और कटा हुआ आलू, इसे भी हम डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे, 1 या 2 मिनट के लिए प्याज और आलू को। प्याज आलू को भूनने के बाद हम डालेंगे
कटे हुए फूल गोभी, कटे हुए पत्ता गोभी, कटे हुए बीन्स, इसे भी हम डाल देंगे। हरे मटर डाल देंगे, कटे हुए गाजर भी डाल देंगे, कटे हुए शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अब ये सारी सब्जियों को हम थोड़ी देर भूनेंगे। इस शाही खिचड़ी में आप और भी ढेर सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हेल्दी भी बनता है। यह बच्चे बड़ों सबको पसंद आएगी। यहाँ मैं बैंगन को भी डाल दूंगी। अब इसे स्टेज में स्प्रिंग ऑनियन भी डाल लेते हैं। अब ये सारी सब्जियों को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे, मतलब भूनेंगे, ताकि इसका हरापन कम हो जाए, तो इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप सब्जियों को ज़रूर भूने। मैं सब्जियों को हाई फ्लेम पे भून रही हूँ ताकि सब्जियाँ जल्दी से भून जाए। सब्जियों को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डाला है और गैस का फ्लेम हाई है, तो सब्जियों को बीच बीच में चला चला कर इसे हमें फ्राई करना है, यानी भूनना है। मैंने यहाँ भी नमक का इस्तेमाल नहीं किया है ताकि सब्जी अच्छे से भून जाए। देखिए सब्जी अच्छे से भून गई है, यह कुकर में पकड़ रहा है, यानी अच्छे से भून गया है। अब इसी स्टेज में हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून साल्ट, यानी नमक डाल देनी है हमें। मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। यहीं पे हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच के बराबर शाही मसाला। मैंने यहाँ शाही पनीर मसाला का यूज किया है, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन मसालों को हम थोड़ी देर भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि मसाले जले नहीं। 1 या 2 मिनट बाद हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। मैंने टमाटर का इस्तेमाल बाद में इसलिए किया ताकि सब्जियां पहले अच्छे से फ्राई हो जाए। टमाटर डालने से टमाटर पानी छोड़ता है, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। अब सब्जियां मैंने अच्छे से भून लिया है मसालों के साथ, ऐसे तो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे चावल दाल, जिसे मैंने पहले ही भिंगो कर रख दिया था। इसमें हम डाल देंगे, अब हम डाल देंगे धनिया पत्ती प्लस डंठल के साथ ही डाल देंगे। मैंने थोड़े से धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए रखा है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी और चावल दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने 2 मिनट के लिए भुना है। देखिए सब्जी और चावल अच्छे से मिक्स हो गया है। इस स्टेज में हम डालेंगे कसूरी मेथी। इसके बाद हम डालेंगे पानी। यहाँ हमने 1 लीटर पानी डाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके देखते हैं। इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 लीटर और पानी डाला। टोटल मैंने 1.5 लीटर के बराबर पानी डाला है, क्योंकि चावल दाल पकने में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और वैसे भी खिचड़ी थोड़ा गीला ही अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ मैंने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। इसे मैं 2 सीटी लगाऊंगी। 2 सीटी लगाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम 8 या 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर जो बचा हुआ सीटी होगा उसे हम निकाल देंगे। ज़्यादा देर इसे नहीं छोड़ना है, तो मैंने यहाँ जो बचा हुआ सीटी था, गैस था, उसे निकाल दिया है। तो देखिए सुपर टेस्टी खिचड़ी तैयार है। अभी रेसिपी बाकी है, दिखाती हूँ मैं। देखिए बहुत ही अच्छा खिचड़ी बना। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये खिचड़ी पहले ही निकाल कर रख ले। इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने पैन को गर्म होने को रख दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच देसी घी,
डाला है, एक पिंच हींग डालेंगे। यहाँ मैंने दो सूखी लाल मिर्च लिया है, इसे हम तोड़ के डाल देंगे। तड़का लगाना है इसलिए हम लाल मिर्च को तेल में फ्राई होने देंगे। जब लाल मिर्च फ्राई हो जाए तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च। इसे हमें छौंक लगाना है यानी तड़का लगाना है। अब जस्ट इसे हम डाल लेंगे खिचड़ी में। मैंने यहाँ तड़का लगाने से पहले धनिया पत्ती डाल लिया है, या आप बाद में भी डाल सकते हो। सुपर टेस्टी शाही खिचड़ी तैयार है, यह सबको बहुत ही पसंद आती है, इससे तो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए इसे मैं सर्व करती हूँ। देखिए यह बहुत ही टेस्टी बना है, मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद आती है। मैंने यहाँ थोड़ी सी खिचड़ी बच्चों के लिए तड़का लगाने से पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि कितने बच्चे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप उसमें और भी मिर्ची डाल सकते हो। यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट डाला है। अब यहाँ मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ती डालती हूँ, और एक चम्मच के बराबर देसी घी डालें, और सुपर टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट शाही खिचड़ी तैयार है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करें कि आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।